Hey guys, this is Angamers and welcome back to another GTA V video. GTA V तो नहीं है वैसे ये GTA San Andreas video, but यार हमने इसको फुली तौर पे GTA V बना ही दिया है. कुछ जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे दो खड़ी हैं अपना Toyota GLI Grandi and Toyota GLI जो old model है. ठीक है, तो दोनों हमने किए हैं इसमें मूड से, बहुत ही ज़्यादा मूड से. आज मैं आपको बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाने वाला हूँ. तो गाइस जैसा मेरा मैप भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल GTA V है और ये हुड मोड भी भाई जान GTA V की तरह ही है. सो आप इसको GTA V कह सकते हो. एंड लुक एट दिस कार. अभी मुझे कौन सी चलना चाहिए, GLI या फिर ग्रैंडी, बट अभी मैं ग्रैंडी को चूज़ करने वाला हूँ. सो लेट स्टार्ट. मेरे पास आज काफ़ी सारे कार्स हैं, आपको सभी कार्स का मैं डेमो कराने वाला हूँ. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी GLI खड़ी है, सेम बिल्कुल यार ओरिजिनल जो अपना पाकिस्तान में है, तो वही मॉडल्स हैं. वैसे बंदे भी साथ बैठाए हुए हैं, ये बैठाए नहीं है, पूरी आगे बैठ गए हैं, पता नहीं भाई कौन है. सो आगे फ्रंट इसका देख सकते हो, बैक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इसका रियलिस्टिक है. स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है. तो ये यार मूड से आई है, और अगर आपको ये चाहिए मूड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा. तो गाइस आप चेक कर सकते हो गाड़ी की स्लीपिंग बहुत ज़्यादा है. एंड इसमें मैंने अपनी बाइक्स भी जैसे CD70 एंड 125 वगैरह सब कुछ ऐड किया है मैंने. और टोयोटा लैंड क्रूज़र भी अभी आएगी, मतलब कि इसमें डाउनलोड कर लिया मैंने, मोड इंस्टॉल कर लिया है, बट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो सबसे पहले तो गाड़ी ये है जिसका नाम क्या है, ग्रैंडी. बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाली लग्जरी कार आप इसे कह सकते हो, और दिस गेम ओनली दिस गेम, क्योंकि GTA V में तो बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स होती हैं. तो इसमें सब ओल्ड मॉडल होता है, बट ये मॉडल है तो इसको आप लग्जरी कह सकते हो. स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, और ये ड्रिफ्ट चेक करो भाई, ड्रिफ्ट तो भाई गजब ही है. इसकी तो बात नहीं, पूरी गाड़ी घूम जाती है, जैसे दिखाते नहीं यार अक्सर पुलिस वाला भी चला जाता तो वो गाड़ी घुमा के पार्किंग में डाल देते, तो कुछ वही वाला सीन है इसका. जैसे कि अभी मेरे पीछे पुलिस वाला लग रहा, मैं गाड़ी घुमा के ऐसे यहाँ पर खड़ी कर लूँगा, ऐसे पता ही लगेगा कि ये है कौन कौन नहीं. ठीक है, तो सबसे पहली गाड़ी तो ये होगी. इसके बाद मैं आपको GLI भी टेस्ट करवा देता हूँ, वो वहीं पर खड़ी की. अभी तो ले गए और GTA San Andreas है, यहाँ पे कोई किसी की गाड़ी नहीं छोड़ता. सो हमारे साथ वही हुआ है, कर लिया गया, बट नो प्रॉब्लम. इसमें मैंने अपना क्लियर मोड भी किया हुआ, अगर कोई भी गाड़ी, मतलब नाम पता हो मुझे गाड़ी का, लोकेशन मतलब कौन सी है, इसका नाम पता हो, मैं आराम से मंगवा सकता हूँ कोई सी भी गाड़ी हो, ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है. तो सबसे पहले इसकी ड्रिफ्ट मार के इसको खड़ा करते हैं एंड निकलते हैं भाई. चलो अब किराया ख़त्म हो गया, सब निकलो तुम लोग भी, बैठे हैं अभी निकल जाएंगे भाई. एक फायर जब सीजन ही क्या ना, पिस्टल सारी सप्रेस्ड है मेरे पास, तो अभी चेक करो. निकलो निकलो बाहर. अबे यार इनको शोर सुनाना पड़ेगा ना, पिस्टल का कहाँ है, बड़ी गन निकालता हूँ, शॉर्ट गन. निकलो. अरे भाई बड़े डीट बंदे हैं ये, उधर से पुलिस जा रही है, केस भी नहीं जो. और आप बैंक मनी देख रहे होगे, सोच रहे होगे यार बैंक मनी क्या है, तो यार अभी एक मूड है, इसमें मैं अपना बिजनेस वगैरह कर सकता हूँ. तो अभी मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मेरे बैंक मनी ज़ीरो है. बट अर्लियर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो कि मैं गेम को सेव करना बोल कर वो ख़त्म हो गया. एंड टुमारो अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे इस गेम में, तो अभी के लिए मैं आया हूँ सिर्फ आपको इन गाड़ीज़ का टूर कराने. बट यार अभी के लिए ना वो GLI का मुझे नाम नहीं पता, मैंने बताया क्ल्यू मोड है मेरे पास, अगर मुझे गाड़ी का नाम पता होना चाहिए मेरे लिए, कोई मुश्किल नहीं है गाड़ी को निकालना, बट यह मसला है कि नाम पता होना चाहिए. ठीक है, नाम तो वैसे GLI है, इसमें मैंने मोड पे इंस्टॉल की हुई है, तो किसी और गाड़ी की जगह की होगी, तो उसका मुझे नाम नहीं पता. हाँ लैंड क्रूजर का पता है, मैंने लैंड इंस्टॉल करके रखी है. सो लेट्स गो, इट इज़ माई लैंड क्रूजर, बट ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, कोई बात नहीं, शशके हैं भाई लैंड क्रूजर के, अपने शशके होते हैं, तो इतना ज़्यादा पता नहीं लगता. आप पीछे से देख सकते हो, नीचे भी लाइट्स है, ऊपर भी लाइट्स, नंबर प्लेट भाई इस पर मैंने नहीं लगवाई है, सामने से ओल्ड मॉडल है. दरमियान में होता तो वाइट है, पर वाइट अच्छा नहीं लगता इसमें, क्योंकि इस गेम नॉट रियल. सो अभी के लिए मैंने इसमें यही करवाया. अब मैं अगर इस पर करवा देता हूँ कलर ब्लैक करवा लूँ, ठीक है, तो ब्लैक बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो शीशे हैं सारे ब्लैक हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी कार है, इसमें स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा, और ऑफ रोडिंग के लिए यार बहुत ही बेस्ट कार है, मतलब कि जितनी भी ऊंची पहाड़ी हुई है आराम से चढ़ जाती है. तो इसका भी मैंने टेस्ट किया हुआ है अपने ऑफ रोड एरिया में, बट इस साइड पे कोई ऑफ रोडिंग इतनी खास नहीं है, तो मतलब हिल्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे अभी आपको वो चीज़ टेस्ट नहीं करवा सकता. बाकी बिल्ड क्वालिटी देख ही सकते हो, एक लाइट टूट गई अभी से. लेट्स गो, इसकी भी ड्रिफ्टिंग है, अभी आप सोच रहे हो यार ये तो भाई बड़ी कार है, मतलब क्या कहते हैं, अब इसे SUV है तो इसकी ड्रिफ्टिंग का क्या कहना, बट ड्रिफ्टिंग हर किसी में होनी चाहिए, अपने शिशके अपने मज़े होते हैं ड्रिफ्टिंग के साथ. तो अभी मैं आपको मार के दिखाता हूँ इसके
इसकी वो वाली नहीं है, ग्रैंडी वाली फील नहीं है, बट ड्रिफ्टिंग है सही। तो कटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। अभी आप देख रहे होगे एक लाइट टूटी हुई है, एक लाइट फिर भी सामने मेरी शेडो में दोनों लाइट्स जल रही हैं। ये गेम का रूल है, गेम का कंसेप्ट हमारा नहीं है। तो ये आप ऑफ रोड देख सकते हो, नीचे से मैं इसको ऊपर की तरफ चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बट कोशिश करने की क्या बात है यार, चढ़ तो जाएगी। अब यकीन है पूरा अपने लैंड क्रूज़र पे। अब देखो मैंने लैंड क्रूज़र एक वाइप की है ना, अभी इधर सारी लैंड क्रूज़र होगी। अभी यहाँ पास से गुजरी है एक और पुलिस वाले भी आ रहे हैं, उसमें प्रीव्यू मोड कर लिया। वो पुलिस वाली गाड़ी को खोप भी दूंगा, प्रीव्यू उस पर केस हो जाता है। अब साले किधर गए टैक्सी वाले ने यार, ओए एक्वा जा रही है, टोयोटा एक्वा आगे भाई पीछे पड़ गई। ये गाइस टोयोटा एक्वा, ये भी मैंने इसमें मूड के साथ इंस्टॉल किया, बट साले ने इसका हाल क्या कर दिया है। अभी रुक इधर, एक और भी टोयोटा एक्वा आ चुकी है, बट जिसपे हमारा दिल है, जिसपे हमारी सी कौन जा रहा है। ओ भाई इधर गाड़ी खड़ी है, दो दो एक्वा है, तीसरे के पीछे भाग रहा है। इसका तो भाई दरवाजा टूट गया, बट कोई बात नहीं, चीट्स हैं भाई, चीट करते हैं जैसे, चीट्स हैं, दरवाजा वगैरह लगवा लेंगे। अभी सीधा लेके इसको निकलते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि जो पुलिस है वो भी मेरे पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने इसकी गाड़ी छीनी है। सो अभी तो के लिए क्ल्यू मोड है, मतलब कि जी टी एस एंड्राइज वाला सिस्टम है, जी टी वी वाला सिस्टम है, सोचिए मैं भूल जाता हूँ। तो जी टी वी वाला सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दो ना, फिर भी यार वो पीछे पड़ जाते हैं, एक केस हो जाता है। तो अभी ये सिस्टम थोड़ा सा ख़राब भी है, क्योंकि यार मैं चलते चलते पता था ड्राइविंग होती बहुत अच्छी है, तो इसीलिए लग जाती है पुलिस की गाड़ी में और उस पर केस हो जाता है। सो नो प्रॉब्लम, इतनी तो पूरी ड्राइविंग नहीं है, सो बचा तो लेते हैं हम, तो ये बात नहीं इसके। और ये कौन सी गाड़ी खड़ी है, ये सामने की तरफ आप देख रहे हो, हाँ ये भी टोयोटा एक्वा है। सो फुल रियलिस्टिक है इसका इंटीरियर भी, गाड़ी का हर एक गाड़ी का इंटीरियर सेम है, जैसे ओरिजिनल लाइफ में होता है ना अपने, सेम रियल लाइफ वाला इंटीरियर है, ठीक है सब कुछ है। बट ये है कि इसमें ना जिस गाड़ी की जगह हम इक्वाइप करते हैं, थोड़ा नेचर में वो गाड़ी रहती है, मतलब कि अब मैं इसमें बैठा हूँ तो अच्छे तरीके से इसमें बैठा हूँ, क्योंकि जो इसकी जगह पे गाड़ी थी, इसकी जगह मैंने इक्वाइप की है, तो वो ऐसी होगी। नहीं तो अगर मैं GLI में बैठता हूँ, जो ओल्ड वर्जन है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ना बंदा पीछे होकर बैठता है सीट के अंदर घुस के, क्योंकि जो उसका ओरिजिनल वर्जन है उसके अंदर ऐसे ही होता है। तो इस तरह की गाड़ियाँ जो होती है ना, कार्स की नेचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी यार कार्स बहुत अच्छी इक्वाइप हो गई हैं, उसमें मूड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपके मूड चाहिए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल नहीं है। आपने मैंने सब्सक्राइब किया तो होगा, बट नहीं भी किया फिर भी कर लो, गाड़ी अभी उठ गया आगे लगेगी इसमें, और तो क्या होना है इसमें। अच्छा तो गाइस गाड़ी तो होगी, एक्वा भी दिखा दी मैंने, और भी काफ़ी सारी गाड़ी हैं, बट अभी के लिए मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो है अपनी CD70, जो कि फुल मॉडिफाइड मैंने की है इसमें। यार अभी मेरा क्ल्यू चला गया भाई, सो ये देख सकते हो रेड कलर है इसमें, काफ़ी सारे कलर है, ब्लू येलो ब्लैक वगैरह। तो बट ये CD70 आप देख सकते हो फुल मॉडिफाइड है, इसके आप फ्रेम्स चेक कर सकते हो, इसके टर्जो नहीं है, बहुत ऊपर है अपना सामने की हेडलाइट भी, बट जो है ना इसका ये होंडा का लोगो ये नहीं मैंने चेंज किया, क्योंकि अगर ये चेंज करता तो CD70 किस नाम पर है, ये CD70 है, ठीक है। तो अभी आप स्पीड देख सकते हो। अच्छा इसका एक और यार, इसकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, मैं कहता हूँ यार छोड़ो बस, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे, कि ना इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरती। अभी मैं एक कैमरा नज़र आया, मैं ना इसको आपको मीटर दिखाता हूँ। अरे नीचे गिरने का मतलब कि अगर अपना बंदा इसके ऊपर बैठा है ना, तो टक्कर होती है ना, तो इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरता, काफ़ी ज़्यादा ज़ोर के टक्कर हो, ख़तरनाक टक्कर में नीचे गिरता है। नहीं तो ये अब देखो मैं सामने दीवार में मार देता हूँ, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, बाइक पलट के उल्टी हो जाती है, बट ये बंदा नहीं गिरता, मतलब ग्रिप बहुत ज़्यादा है इसकी, इस बंदे के लिए, सीजे के लिए, ठीक है। बाकी ग्रिप समझ रहे हो, तो अभी सीधे चलते हैं ऊपर। हैंडलिंग ग्रिप वगैरह मैंने इसमें 125 भी वाइप किया, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, मैं दिखाऊंगा ज़रूर मैं आपको, ये नहीं समझ रहा आपने, ठीक है। अभी मैं कैमरा से आपको इसका मीटर चेक करवाता हूँ, तो कैमरा के नीचे फ़ोन देख रहे हो, तो मेरा इसमें फ़ोन भी ओपन जाता है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो मीटर चेक करो, तकरीबन ही रियलिस्टिक है, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। यार अभी मेरा फ़ोन ओपन नहीं हो रहा है, ये देखो है इसका क्या कहते हैं यार, उसे करेक्टर चेंज हो जाता है इससे। अच्छा एक और बात है, मैं फ़ोन का बटन ही भूल गया हूँ, कौन से बटन से फ़ोन ओपन होता है, या हाँ हाँ ये तो नहीं कैमरे का था। अच्छा गाइस यार फ़ोन का भी मैं आपको चेक करके ओपन करके बता दूँ। बाकी बाइक देखो बहुत अच्छी, एंड इसके अलावा मेरे पास बाइक्स में है 125 अपना होंडा, वैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर होंडा उसी को